देश में कब और कहां मौसम बदल जाए यह कह नहीं सकते, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां पर आने वाले समय में बारिश होगी। मॉडल इंडिकेट करते हैं और मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है और हम आज उसी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस समय आप सैटेलाइट इमेज में देखिए कि तापमान कहां पर कम है, तो आप देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि WD पर्वतीय इलाकों पर इस समय पहुँचा है। तो आप देखिए कि क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पर्वतीय इलाकों पर बने हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में तापमान में कमी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है और भारी वर्षा कई क्षेत्रों में देखने को मिली है, हिमपात भी कई स्थानों पर हुई है। तो मौसम कहीं ना कहीं बदला है और मौसम के बदलने के कारण आप देखिए कि एक साइक्लोन सर्कुलेशन इस समय राजस्थान पे बना हुआ है। तो इन दोनों का इन्फेक्ट आप देख सकते हैं कि देश के मौसम पे पड़ रहा है। राजस्थान के ऊपर भी बादल पहुंचे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल बने हुए हैं। इन बादलों से लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा भी कई स्थानों पर देखने को मिल रही है। यानी कि बारिश कब और कहाँ हो जाए ये कह नहीं सकते, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में बारिश कैसी होगी। ये वीडियो मैं आपको निरंतर दिखा रहा हूँ आगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उन पर भी बादल बने हुए हैं। आज 19 अप्रैल है और आज देश के किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है, आइए जानते हैं आगे मॉडल के द्वारा। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि देश के कई शहरों में इस समय बारिश का येलो और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो 19 अप्रैल को पर्वतीय इलाकों में आप देख सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है, यानी कि सावधानी की आवश्यकता पर्वतीय इलाकों में रहेगी, जिसमें भारी बारिश कई स्थानों पर हो सकती है। 19 अप्रैल को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाके शामिल है। साथ साथ अगर बारिश की बात करें तो मैदानी इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं आज 19 अप्रैल को बनी हुई है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज भारी बारिश हो सकती है। तो ओलावृष्टि की संभावनाएं और आंधी तूफान चलने की संभावनाएं तो जाहिर है। और अब राजस्थान के इलाकों की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में भी आज बादलों की गर्जना के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के भी कई शहरों में आज लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ तेज बारिश, तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, धूल भरी हवाएं चलेगी। और उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा, धूल भरी हवाएं, तेज आंधी तूफान चलने की संभावना बनी हुई है और हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बिहार और झारखंड के मौसम की बात करें तो यहाँ पर हीटवेव चलने की ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पर हीटवेव के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया गया है और साथ साथ झारखंड में भी कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा और ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, यानी कि चेन्नई व आसपास के हिस्सों में आज हीटवेव बनी रहेगी। और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की अगर देखें तो बादलों की गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म देखने को मिलेगी, चाहे वो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश के इलाके हो। अब बात मध्य भारत के राज्यों से करते हैं। मध्य भारत में आप देख सकते हैं कि गुजरात के इलाकों में तमाम जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है, बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। हालांकि मैं अगर आपको बताऊं तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगे हुए इलाकों पे आज दोपहर तक मॉइस्चर पहुंचेगा और वर्षा होने की संभावना है। मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहे हैं लेकिन बारिश होगी। अब बात मध्य प्रदेश के इलाकों करते हैं, तो मध्य प्रदेश यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में आज बारिश होने की संभावना है, लाइट रेन होगी और धूल भरी हवाएं और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। ओलावृष्टि भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। उड़ीसा में आप देखेंगे कि लू चलेगी, कहीं ना कहीं लू चलने की संभावना है उड़ीसा के इलाकों में बनी हुई है। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, तो महाराष्ट्र के जो तटवर्ती इलाके हैं उन इलाकों में तो बारिश नहीं होगी, शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन जो मध्य इलाके हैं उन इलाकों में लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, आंधी तूफान चलने की संभावनाएँ बनी हुई है। अब बात दक्षिण भारत के राज्यों से करते हैं। पहले तेलंगाना की बात करते हैं, तो तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है। और साथ साथ अगर हम मैं बात आंध्र प्रदेश की करूँ तो आंध्र प्रदेश में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि जो तटवर्ती इलाके हैं उन इलाकों में वर्षा हो सकती है एक आध स्थानों पर। केरला में लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा, एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। बाकी कर्नाटक के तमाम शहरों में शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मैं आपका मित्र दीपेश आपको मौसम की जानकारी ऐसे ही देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।